गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट थियोरी की स्टडी करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं थियोरम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? थियोरम। तो आज हम लोग जो थियोरम की स्टडी करेंगे वो बोर्ड व्यू एग्जाम से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बराबर है स्टूडेंट? तो भाई आज हम लोग स्टडी करेंगे पाइथागोरस थियोरम। अब ये जो थियोरम है वो अलग अलग फॉर्म के अंदर स्टूडेंट आपको पेपर में मिल सकता है। बराबर है? तो भाई पाइथागोरस थियोरम है वो कौन से फॉर्म के अंदर बोर्ड की एग्जाम में पेपर में आता है, पहले वो समझ लो और फिर बाद में कैसे इसको प्रूव करते हैं वो समझेंगे। यानी कि ये जो थियोरम है आज ही आप 5 बार लिख कर अच्छे से प्रिपेयर कर दोगे। तो स्टूडेंट थियोरम ऐसे आएगा कि भाई राइट पाइथागोरस थियोरम एंड प्रूव इट। राइट पाइथागोरस थियोरम एंड प्रूव इट। या तो ऐसे भी आ सकता है स्टूडेंट, और चलो ये आया राइट पाइथागोरस थियोरम एंड प्रूव इट। तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, पहले पाइथागोरस का जो स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं वो स्टेटमेंट पहले आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए? स्टेटमेंट के बगैर लिखोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा, स्टेटमेंट के बगैर अगर आप थियोरम प्रूव कर दोगे तो 0 मार्क मिलेगा। इसलिए क्या ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसे फॉर्म के अंदर थियोरम आएगी राइट पाइथागोरस थियोरम एंड प्रूव इट, तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। चलो ये फॉर्म के अंदर आ सकता है या तो ऐसे भी आ सकता है कि भाई इन राइट प्रूव है इन राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज द सम ऑफ द साइड फॉर्मिंग राइट एंगल। या तो ऐसे भी आ सकते, देखो फर्स्ट आया तो राइट पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट, बराबर। तो उसका स्टेटमेंट लिखना, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल। ये स्टेटमेंट कंपल्सरी लिखना पड़ेगा। बराबर है? या तो ये वाले फॉर्म में आए कि भाई प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल। ये भी पाइथागोरस थ्योरम है। और करके ऐसे भी आ सकता है पेपर के अंदर आपको कि भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 देन प्रूव दैट शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं पीडी एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। बराबर है स्टूडेंट?
ऐसे तीन फॉर्म के अंदर ये थ्योरम आपको पेपर में आ सकता है। फर्स्ट राइट, देखो पाइथागोरस का स्टेटमेंट तो पक्का आना चाहिए, समझ गए, यानी कि आप लिख पाओ। फिर क्या होगा भाई, सेकंड नंबर जो मैंने और करके लिखा वैसे भी आ सकता है। थर्ड नंबर ऐसे भी पेपर में आया तो वो भी क्या है भाई, पाइथागोरस का थ्योरम, बराबर है। तो भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90, देन प्रूव दैट एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तीन फॉर्म के अंदर आए थे, तीनों पाइथागोरस का थ्योरम आपको लिखना है। और आज जो भी थ्योरम चले आज भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट ईयर वाले लकी स्टूडेंट है, आपके लिए सिर्फ दो ही थ्योरम बचे, पाइथागोरस का थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का थ्योरम, बराबर है स्टूडेंट। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, और देखो इसकी फिगर हाथ से मत बना देना, रिक्वेस्ट है आप लोगों को, क्योंकि आप सुधरने वाले हैं इसलिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बराबर है। स्केल और पेंसिल से ही फिगर बनाओगे, इट मस्ट बी कंपल्सरी। चलो तो आप लोग भी साथ में लिखते जाओगे। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे, बनाओ। चलो ये स्टेटमेंट ऊपर से लिख डालो आप लोग, चलो फटाफट स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ दो, फिर लिख दो। चलो पहले फिगर बनाओ। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटा। कभी थ्योरम में यहां पर डेटा क्या आएगा, कभी इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90, बराबर है। इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। चलो टू बी प्रूव में क्या आएगा भाई, टू बी प्रूव क्या प्रूव करना है हम लोगों को, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ऐसा हमें क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव करना, बराबर है। चलो इतना लिख डालो। चलो डेटा में क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90। चलो टू बी टू में क्या प्रूव करना है आप लोगों को, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो आप लोग बोलो डेटा में क्या लिखोगे, बोलो तो डेटा में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, भाई इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90। चलो टू बी प्रूव में क्या लिखोगे, भाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो हो गया इतना। अब जरा अपने पेन बंद करके बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, फिर मैं लिखने का टाइम देता हूं आप लोगों को, बराबर है। चलो प्रूफ में फर्स्ट क्या लिखेंगे, चलो प्रूफ में पहले तो एक एल्टीट्यूड बनाएंगे, कभी बीडी परपेंडिकुलर एसी बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, लेट लाइन सेगमेंट बीडी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट एसी, कभी लेट लाइन सेगमेंट बीडी एक एल्टीट्यूड बनाएंगे एसी के ऊपर, भाई लेट लाइन सेगमेंट बीडी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट एसी सच दैट, क्या होगा भाई, सच दैट बी डैश डी सॉरी ए डैश बी डैश सी होगा, क्या होगा स्टूडेंट, ए डैश बी डैश सी। इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट, भाई ए सी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ए डी प्लस बी सी, देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस क्या लिखेंगे, डी सी। चलो इतना कर पाओगे, प्रूफ में फर्स्ट क्या लिखेंगे, भाई लेट बी डी परपेंडिकुलर ए सी, यानी बी डी ए सी के ऊपर का एल्टीट्यूड है, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, ए डैश डी डैश सी। फिर क्या होगा स्टूडेंट, भाई ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी प्लस बी सी, इसका आपको यूज करना पड़ेगा एंड। चलो ये ट्राइंगल के अंदर एंगल बी 90 है, तो एंगल ए और एंगल सी कौन से एंगल बनेंगे स्टूडेंट, एक्यूट एंगल बनेंगे, कौन से बनेंगे,
एक्यूट एंगल वो भी लिखना है कि भाई इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो क्या लिखेंगे, सो एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, कि भाई इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90, बी 90 है तो बाकी दो एंगल बचे वो कौन से होंगे भाई, एक्यूट एंगल, बराबर है। तो चलो सबसे फर्स्ट डेटा के अंदर क्या लिखा हम लोगों ने, आप लोग बोलोगे डेटा में क्या लिखा बोलो तो, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। चलो टू बी प्रूव में क्या प्रूव करना है हम लोगों को, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। चलो प्रूफ में फर्स्ट क्या लेंगे, लेट बी डी परपेंडिकुलर ए सी सच दैट ए डैश बी डैश सी, क्लियर। चलो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, ए डी प्लस डी सी, बन गया। चलो फिर क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90, सो एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। ए और सी कौन से होंगे, एक्यूट एंगल। चलो यहां तक लिख पाओगे। अब यहां पर वर्ड के ऊपर ध्यान रखो स्टूडेंट, जब भी हम लोगों ने चैप्टर चलाया आपको मैंने एल्टीट्यूड वाले फॉर्मूला सिखाए थे, जरा याद करो। देखो ये बीडी का फॉर्मूला क्या बनाया था हम लोगों ने, कभी बीडी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। चलो फिर ए बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या बनाया था, तो भाई ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, और बी सी का फॉर्मूला क्या बनाया था हम लोगों ने, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी, वो हमें यूज करना है। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, ये ए बी का फॉर्मूला रखेंगे, याद करो ए बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो भाई ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, चलो ए बी का स्क्वायर यानी कि उसका एडजेसेंट सेगमेंट और हाइपोटेन्यूज का ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि क्या लिखेंगे ए डी इंटू ए सी। चलो सेम ये बी सी का फॉर्मूला लिखेंगे, कभी बी सी स्क्वेयर, चलो बी सी का फॉर्मूला उसका एडजेसेंट सेगमेंट कौन सा, सी डी, और क्या आएगा ए सी यानी कि डी सी इंटू ए सी। चलो इसको दे देते रिजल्ट नंबर वन, इसको दे देते रिजल्ट नंबर टू, कर पाओगे इतना। क्या करना है, एबी का फॉर्मूला लिखना है, कभी एबी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, एडी इंटू ए सी। चलो बीसी का फॉर्मूला क्या होगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। दो रिजल्ट मिल गया, ये दोनों का एडिशन करेंगे क्योंकि हमें क्या लाना है भाई, एबी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, टेकिंग सम ऑफ बोथ द रिजल्ट, दोनों रिजल्ट का प्लस करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ए डी इंटू ए सी प्लस बी सी इंटू ए सी। चलो ये दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है, क्या कॉमन निकलता है, ए सी, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया भाई, एडी प्लस डी सी। पर यहां पर नजर करो, आप लोगों ने लिख कर रखा है, देखो एडी प्लस डी सी यानी कि तो क्या होता है, ए सी होता है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। देखो जो प्रूव करना था वो आ गया, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वायर। बोलो प्रूव कर पाओगे थ्योरम। चलो फिर से रिवाइज करते हैं, क्या लिखेंगे डेटा के अंदर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखो पांच बार लिख देना, आप लकी स्टूडेंट हो, आपके लिए सिर्फ दो थ्योरम है, ओरिजिनल में चैप्टर में मेरे हिसाब से 10 से 11 थ्योरम है, उसमें से सिर्फ दो थ्योरम सिलेक्टेड है, ये दो में से एक आपको बोर्ड की एग्जाम में कंपल्सरी पेपर में आने वाला है, यानी कि आपको पक्के आने चाहिए, समझ गए ना, कुछ भी करो पास होना है जिनको, वो तो ये दोनों थ्योरम पक्के तैयार कर डालेंगे। कोई पाइथागोरस का नाम लिखा,
फट करके लिखना आना चाहिए, कितने पक्के करने, नींद में से कोई उठाए तो भाई वो पाइथागोरस का थ्योरम ले, तो फट करके पेन और पेज लेकर फटाफट करके पाइथागोरस का थ्योरम हो जाना चाहिए, समझ गए ना। तो चलो क्या लिखेंगे डेटा के अंदर, तो भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। चलो टू बी प्रूव में क्या प्रूव करना है, तो भाई एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। चलो प्रूफ में फर्स्ट क्या लिखेंगे, लेट बीडी परपेंडिकुलर एसी सच दैट ए डैश बी डैश सी, देयरफॉर एसी इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, एडी प्लस डीसी। इसका यूज करना है यानी कि वो लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। चलो फिर क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90, सो एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। ये दोनों कौन से एंगल हो गए स्टूडेंट, एक्यूट एंगल हो गए, बराबर है। चलो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला किसका रखेंगे, एबी का। तो एबी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा आएगा, एडी इंटू एसी। दूसरा बीसी का फॉर्मूला रखेंगे, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, डीसी इंटू एसी। चलो ये दोनों रिजल्ट का क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि हमें क्या लाना है स्टूडेंट, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यानी कि टेकिंग रिजल्ट वन एंड टेकिंग सम ऑफ रिजल्ट वन एंड टू, तो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू एसी प्लस डीसी इंटू एसी। चलो ये दोनों में से एसी कॉमन निकलता है, तो ब्रैकेट में क्या बचा है, एडी प्लस डीसी। बट यहाँ पर देखो एडी प्लस डीसी तो क्या होता है स्टूडेंट, एसी होता है, तो एसी रखते हैं, तो एसी मल्टीप्लाई एसी क्या हो गया, एसी स्क्वायर, देयरफॉर एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर होगा, क्लियर। तो लिख डालो बोर्ड के ऊपर से, ये स्टेटमेंट तीन फॉर्म के अंदर थ्योरम पेपर में आ सकता है। देखो यहाँ पर मैंने बी 90 लिया है, बट कोई एग्जामिनर ऐसा होगा एंगल ए बी 90 ले सकता है, पी क्यू आर भी ट्राइंगल रख सकता है, तो आपको चेंजेस करके प्रूव करने का आना चाहिए, क्लियर स्टूडेंट। लिख डाल, 5 मिनट देता हूं आप लोगों को, 5 मिनट में हो जाना चाहिए थ्योरम, लिख दो बोर्ड के ऊपर से फटाफट।
चलो स्टूडेंट, हो गया सबको? पक्का हो गया? ठीक है, नली बली लगा कर अब आगे समझ सकते हो आप लोग, कर पाओगे ये वाला थ्योरम पक्का। चलो अब आगे बढ़े, नहीं हुआ हो तो कर लेना, बराबर है। चलो अब सेकंड थ्योरम, वो भी इम्पोर्टेंट है। कि भाई सेकंड जो थ्योरम है वो कैसे आने वाला है, दूसरा थ्योरम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बराबर है। आपके नसीब में सिर्फ दो थ्योरम है, दोनों पक्के कर डालो, चार मार्क मुफ्त में ले जाओ, बराबर है। तो सेकंड थ्योरम है हमारा, आप भी मेरे साथ में लिखते जाओगे, मीन्स थोड़ा टाइम बचेगा। चलो हमारा जो सेकंड थियोरम है वो है कभी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियोरम। आप लोग नाइन स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट पढ़ चुके हो, यानी सफिशियंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन को इंटरचेंज करे तो हमें क्या मिल सकता है भाई, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट मिलेगा। कभी कोई भी स्टेटमेंट के अंदर सफिशियंट एंड नेसेसरी कंडीशन को चेंज कर दे, इंटरचेंज करे, उससे जो स्टेटमेंट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे भाई, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। लाइक गुजराती में बोलता हूं कि भाई हिंदी में अगर हम लोग बीमार पड़ेंगे, सॉरी अगर हम लोग ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, यानी कि इफ और देन, जो यानी कि इफ और अगर का मतलब इफ और तो का मतलब क्या होता है देन, तो इफ के बाद में जो आती है वो कंडीशन, देन के बाद में आती है वो कंडीशन को इंटरचेंज कर दो। कि लाइक हमारे पास एक स्टेटमेंट है, अगर हम ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, ज्यादा खाएंगे तो गैस होगा, गैस होगा तो बीमार पड़ेंगे, इसका कन्वर्स बनाना है तो क्या करेंगे, तो के बाद में उसको आगे ले आओ और जो के बाद में, अगर के बाद में उसको पीछे ले जाओ, क्या बनेगा, तो भाई अगर हम बीमार पड़ेंगे तो ज्यादा खाएंगे, ये कन्वर्स स्टेटमेंट बन गया। क्या बन गया स्टेटमेंट, कन्वर्स। तो स्टूडेंट आपका सेकंड थियोरम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियोरम, बट वो पेपर के अंदर कैसे कैसे पूछा जा सकता वो खास समझना है। अगर आप लोग एचपी बन गए, हरक पदुड़ी बन गए, समझो चार मार्क फट करके उड़ जाएंगे। आज तक अच्छे अच्छे स्टूडेंटों के मार्क उड़ गए, हम लोग तो बोल बोल के थक गए, हमारी टंग भी बेचारे घिस गई, बट स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, वो कभी सुधरता नहीं है। इसलिए अभी मैं जो बोलू उसको ध्यान से सुनो, वरना चार मार्क जाने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 100% है, बराबर है। यानी कि जब भी थ्योरम आए पहले उसका स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ोगे, जब भी थ्योरम पेपर में आए उसका स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ोगे, बाद में थ्योरम लिखोगे। क्योंकि देखो अभी मैंने थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर रखा है, यानी कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैसे कैसे आ सकता है। तो लाइक मैंने स्टेटमेंट लिखा है, राइट पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट्स कन्वर्स, बराबर। ये फर्स्ट मेथड ये है कि भाई राइट पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट्स कन्वर्स। आप में से 95% स्टूडेंट, ब्रैकेट में गधे लगा देना, बराबर, क्योंकि आप गधे के जैसे ही हो सब, ब्रैकेट में क्या लगा दोगे, गधे। स्टूडेंट का मतलब गधे ही समझ लेना है, क्योंकि ऑनलाइन में तो बोल सकते नहीं है, इसलिए कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो निकल जाता है गधे पर, स्टूडेंट का मतलब गधे समझना। तो ऐसे आए, यानी कि आप ध्यान रखोगे आप में से 95% स्टूडेंट इतना ही पढ़ेंगे, राइट पाइथागोरस थ्योरम, आगे का पढ़ेंगे तो क्या करना लेंगे, पाइथागोरस का स्टेटमेंट लिखेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम प्रूव करके 3 आवर के बाद बोर्ड की एग्जाम लिख के बाहर आएंगे, बोलेंगे मेरे थ्योरम में 4 में से 4 मार्क पक्के। बट बाजू में उसका दोस्त होगा वो बोलेगा, बेटा तूने इसमें कौन सा थ्योरम लिखा, आप लोग क्या बोलोगे, पाइथागोरस का थ्योरम लिखी आएंगे, वो बोलेगा पूरी लाइन पर अंडरलाइन करके बोलेगा, देख इसमें कन्वर्स लिखा है, फिर आपका मूड ऑफ हो जाएगा,
और अपने आप को गालियां दोगे, साला मेरे को कन्वर्स आता था तो भी मैं एचपी बन गया, हरक पदुरा बन गया, और क्या करके आ गया भाई, गलती करके आ गया, समझ गए। यानी कि खास स्टेटमेंट को 3 बार पढ़ना है, वरना आप में से 95% गधे क्या करेंगे, गलती करके ही आएंगे, बराबर है। यानी कि ऐसे है, राइट पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट्स कन्वर्स। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन के अंदर आपको जो स्टेटमेंट लिखना है वो पाइथागोरस थ्योरम का लिखना है। लाइक कौन सा लिखोगे, भाई इनर राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल। बट प्रूव कौन सा करोगे, कन्वर्स करोगे, कौन सा करोगे, कन्वर्स, क्लियर। चलो और करके ऐसे भी आ सकता है, भाई राइट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट। बराबर है, यानी कि ये वाली सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई राइट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि आपको कन्वर्स का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। समझ गए, मैंने बोला था जब थियरी चलाई तब पाइथागोरस का स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करने के लिए बोला था, कन्वर्स का स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करने के लिए बोला था। यानी कि यहां पर कन्वर्स आया तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और करके ऐसे भी आ सकता है, चलो अब जो आएगा वो कन्वर्स का स्टेटमेंट है जो आपको प्रिपेयर करना है। ऐसे फॉर्म के अंदर भी तीसरे फॉर्म में आ सकता है, कैसे आ सकता है भाई, इन अ ट्राइंगल, इनर ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ इनर ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अभी साथ में लिखोगे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन द एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। बराबर है, ये कन्वर्स का स्टेटमेंट है, ऐसे भी पेपर में आ सकते हैं। इसको 10 बार लिख कर प्रिपेयर करना है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का स्टेटमेंट कौन सा, कि भाई इन अ ट्राइंगल, कि भाई इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन द एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड, यानी कि जो फर्स्ट साइड है उसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा भाई, राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री प्रूव करना है। या तो ऐसे भी आ सकता है, और करके आप लोग तो बोलोगे सारे थ्योरम कितने कपड़े चेंज करके आने वाला, फर्स्ट ऐसे भी आ सकता है, सेकंड ऐसे भी आ सकता है, थर्ड ऐसे भी आ सकता है, फोर्थ नंबर ऐसे भी आ सकता है, कि भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर देन प्रूव दैट एंगल बी इज अ राइट एंगल। देखो
फर्स्ट साइड का ऑपोजिट एंगल, एसी का ऑपोजिट एंगल कौन सा, एंगल बी इज अ राइट एंगल। यार ये चार अलग अलग टाइप के कपड़े पहनकर ये थ्योरम आ सकता है। यार के पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है वरना धोखा खा जाओगे और चार मार्क चले जाएंगे। फर्स्ट क्या है भाई, राइट पाइथागोरस, इतना पढ़ के थ्योरम प्रूव मत कर देना, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है। पाइथागोरस प्रूव करना है, उसका कन्वर्स करना है। तो भाई राइट पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट्स कन्वर्स, ये सिचुएशन में स्टेटमेंट पाइथागोरस का लिखेंगे, प्रूव कौन सा करेंगे, कन्वर्स करेंगे। सेकंड नंबर कौन सा है भाई, राइट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट, तो एक कन्वर्स का स्टेटमेंट लिखा है वो लिखेंगे, प्रूव करेंगे। थर्ड नंबर ऐसे भी आ सकता है, कौन सा भाई, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन द एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, यानी कि ये कन्वर्स है, लास्ट में राइट एंगल आए। देखो याद कैसे रखेंगे, लास्ट में राइट एंगल आए तो कन्वर्स, और स्टेटमेंट के शुरुआत में राइट एंगल आए। देखो पाइथागोरस में क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि स्टेटमेंट की शुरुआत में राइट एंगल आए तो पाइथागोरस, स्टेटमेंट के एंड में राइट एंगल आए तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। क्लियर स्टूडेंट, पेपर में कंफ्यूजन हो गया, याद कैसे रखेंगे, कभी स्टेटमेंट की शुरुआत में राइट एंगल नाम का वर्ड आया, पाइथागोरस स्टेटमेंट के एंड में राइट एंगल नाम का वर्ड आया तो कन्वर्स। और ये फोर्थ फॉर्म यहां पर हो सकता है, तो भाई एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर देन एंगल बी राइट एंगल प्रूव करना है। चलो तो सबसे पहले लिख लिए चारों के चारों स्टेटमेंट कंप्लीट। चलो अब सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे, बनाओ। चलो एक ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे पर राइट एंगल शो नहीं करोगे क्योंकि वो हमें प्रूव करना है। चलो ट्राइंगल एबीसी बनाओ और उसके बाद में फिर बना ही लो एक ट्राइंगल पीक्यूआर। चलो पी क्यू आर, देखो ये जो पी क्यू आर ट्राइंगल बनाओ बिल्कुल एबीसी के जितना ही होना चाहिए, बड़ा या छोटा नहीं, एबी इज इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए, बीसी इज इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए। इसमें शो करोगे एंगल क्यू इज इक्वल टू 90, समझ गए, इसमें शो करोगे एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 शो करोगे। बराबर है स्टूडेंट, हो गया इतना, ये हमारी फिगर है। कभी एबीसी ट्राइंगल बनाएंगे इसमें हमें क्या प्रूव करना है, एंगल बी 90 प्रूव करना है, इसमें पहले से एंगल क्यू 90 लेंगे। चलो डेटा के अंदर क्या लिखेंगे, चलो सबसे फर्स्ट हमारा काम कौन सा होगा, डेटा। डेटा के अंदर क्या लिखेंगे, कभी इन ट्राइंगल एबीसी एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। सबसे फर्स्ट डेटा में क्या लिखेंगे, डेटा है आपका, तो भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। चलो टू बी प्रूव में आपको क्या प्रूव करना है भाई, टू बी प्रूव क्या प्रूव करना है भाई, एंगल बी इज अ राइट एंगल, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू 90, ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल बी इज अ राइट एंगल है तो एंगल बी इज इक्वल टू 90। चलो डेटा लिख पाओगे, डेटा में क्या आप भी साथ में लिखोगे समझो, जहां पर स्टॉप करना होगा वहां पर मैं आपको बोलूंगा स्टूडेंट स्टॉप कर दो। चलो दोस्त क्या लिखेंगे डेटा में सबसे फर्स्ट, तो भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी जो हमारे स्टेटमेंट में है, तो भाई एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। चलो टू बी प्रूव में क्या लिखना है स्टूडेंट, हम लोगों को एंगल बी इज अ राइट एंगल ऐसा प्रूव करना है, इसलिए मैंने आपको बोला कि यहां पर राइट एंगल शो मत करना। चलो क्लियर, अब जरा पेन अपने नीचे रखेंगे और बोर्ड के ऊपर ध्यान रखेंगे। चलो प्रूफ, सबसे पहले हम लोग प्रूफ में क्या लिखेंगे स्टूडेंट,
कभी हमने एक ट्राइंगल बनाया PQR, हमने क्या बनाया भाई, ट्राइंगल PQR बनाया जिसमें एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना है भाई 90, PQ इज इक्वल टू क्या है भाई हमारा AB, PQ और AB इक्वल साइड है और QR इज इक्वल टू क्या है भाई BC, ऐसे डैश करके रखोगे तो भाई हमने क्या किया स्टूडेंट, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, कौन सा भाई PQR, जिसमें एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना होता है भाई 90, फिर क्या हुआ भाई PQ इज इक्वल टू AB और QR इज इक्वल टू कितना हो गए BC, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR सच दैट एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 एंड दूसरा क्या होता है स्टूडेंट PQ इज इक्वल टू AB एंड दूसरा क्या होता है स्टूडेंट QR इज इक्वल टू BC, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट लिख पाओगे तो भाई कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR सच दैट एंगल क्यू इज इक्वल टू 90, दूसरा PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC, क्लियर, इतना तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे। चलो डेटा के अंदर क्या लिखा बोलो तो बेटे लो, डेटा में क्या लिखा इन ट्राइंगल ABC AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² टू बी प्रूव, में क्या प्रूव करना है हम लोगों को एंगल बी इज राइट एंगल यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो प्रूफ में फर्स्ट क्या लिखेंगे, एक ट्राइंगल PQR बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR सच दैट एंगल क्यू इज इक्वल टू 90, AB इज इक्वल टू PQ एंड QR इज इक्वल टू BC, यानी कि PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC, क्लियर। चलो अब जरा देखो स्टूडेंट बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, अपने आप यहाँ पर ही प्रिपेयर हो जाएगा, इसके अंदर पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR क्या बनेगा पाइथागोरस का फॉर्मूला, तो भाई PR² बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो वरना खो जाओगे, PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR² ब्रैकेट में क्या लिखेंगे पाइथागोरस, क्या बनेंगे ACC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, बराबर है लिख सकते, ऐसा लिखना है कंपल्सरी वरना मार्क कटे, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अब जरा देखो स्टूडेंट यहां पर आपने क्या लिया PQ इज इक्वल टू कितना होता है AB, तो क्या है PQ के बदले में AB रख सकते हो आप लोग, सेम देखो QR इज इक्वल टू क्या लिया है आप लोगों ने BC, तो यहां पर QR के बदले में BC रख सकते हो, तो रखो तो क्या होगा देयरफॉर PR² इज इक्वल टू क्या होगा भाई AB² प्लस BC² होगा कि नहीं होगा, इतना सबसे फर्स्ट क्या करेंगे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो भाई इन ट्राइंगल PQR बोर्ड के लिखना तो मैं टाइम देता हूं, मैं वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो मैं अपना बोलना बंद कर दू, रोज आके बोर्ड भर दू और फिर आप लिख डालो, इतनी जल्दी क्यों पड़ी है भाई, पेन नीचे रखो, दिखता है बहुत सारे लोग यहां से शुरू हो गए लिखने के, पहले समझ लो, लिख तो आप पाओगे, समझ गए। चलो तो क्या लिखेंगे प्रूफ में कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR सच दैट एंगल क्यू इज इक्वल टू 90, PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC, फिर क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR पाइथागोरस अप्लाई करेंगे PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR² बट देखो PQ इज इक्वल टू क्या है भाई AB, तो यहां पर AB² और QR इज इक्वल टू क्या है भाई BC, तो क्या लिखेंगे BC² हो गया इतना। चलो नेक्स्ट बट जरा देखो तो डेटा के अंदर देखो AB² प्लस BC² इज इक्वल टू तो क्या होता है AC² इधर क्या लिखेंगे बट AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² ऐसा कहां पर दिया है स्टूडेंट डेटा के अंदर, कहां पर दिया है भाई डेटा,
क्योंकि आप इधर ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर लेकर आए, बट ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ac स्क्वायर होता है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, pr स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ac स्क्वायर। देयरफॉर क्या होगा भाई, pr स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर को रिमूव करें, देयरफॉर क्या होगा भाई, pr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AC हो जाएगा। यहां तक पहुंच पाओगे, चलो इतना लिख डालो, तब तक मैं फिर से समझाता जाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख डालो डेटा टू बी प्रूव और प्रूफ में यहां तक लिख रहा, फटाफट थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, टाइम इज गॉन नॉट कम। मेरा इंग्लिश बहुत पक्का है, समझ गया ना, आपके भी भूखे निकाल जैसा है बाबा इंग्लिश से। सोमवार पता है आप लोगों को मुझसे ज्यादा इंग्लिश आता है। चलो यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट, गधे समझना है स्टूडेंट का मतलब, मैसेज आए तो भी गधे समझना है, कितना मजा है, जहां पर स्टूडेंट है वहां पर गधे लगा के पढ़ो। चलिए बाहुबली पार्ट वन है, बराबर है, हो गया इतना, फटाफट दौड़ो दौड़ो दौड़ो, आग लगी है। चलो हो गया, अब फिर से बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे, ये बाहुबली पार्ट वन था, हमने क्या प्रूव कर डाला स्टूडेंट, पी आर इज इक्वल टू ए सी। अब जरा देखो, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी है, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी है, PR इज इक्वल टू क्या लेकर आ गए, AC। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इधर क्या लिखेंगे, अब जरा बॉर्ड के ऊपर ध्यान रखो, इन अ ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC क्या लिखेंगे, कभी PQ इज इक्वल टू AB, QR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे BC, और थर्ड PR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे AC। बराबर है, क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल टू AB, QR इज इक्वल टू BC, और थर्ड नंबर क्या लिखेंगे, PR इज इक्वल टू AC। ये रिजल्ट नंबर वन दे दे। चलो यहां पर ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे, ऐसे कर्ली ब्रैकेट करके अंदर क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से बनाए, इधर उधर लिखा है कि भाई कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR सच दैट PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC। बराबर है, तो बाय कंस्ट्रक्शन यहां पर क्या लिखेंगे, रिजल्ट वन। चलो हो गया, अब बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, चलो दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल PQR congruent triangle क्या लिखेंगे, ABC। कौन सा रूल आया, साइड साइड साइड, एस एस एस, एस 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 रूल, ये कंपल्सरी लिखना है। बराबर है, ये सब कुछ ब्रैकेट में लिखोगे ना, एवरी टाइम हाफ मार्क कटेगा, आठ बार गलती करोगे चार मार्क अपने आप चले जाएंगे, बोले थ्योरम पूरा लिख गया हो। चलो इतना लिख पाओगे, अब याद तक लिख डालो, कर पाओगे, इनर ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC क्या होगा, PQ इज इक्वल टू AB, QR इज इक्वल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन, और PR इज इक्वल टू AC, रिजल्ट नंबर वन। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी भाई, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा रूल भाई, एस 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 रूल। अब इधर ध्यान रखोगे, कभी इनर ट्राइंगल PQR देयरफॉर क्या लिखेंगे, ये नहीं लिख रहा है वो बाद में आएगा, दोनों ट्राइंगल जरा देखो दो स्टूडेंट क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर, और एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू। हम लोग सिर्फ बात किसकी करेंगे, जो राइट एंगल प्रूव करना है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बट क्या लिखेंगे, बट एंगल क्यू इज इक्वल टू 90। पहले से हमने कंस्ट्रक्शन किया,
कभी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR सच दैट एंगल Q इज इक्वल टू 90, बट एंगल Q इज इक्वल टू 90, Q 90 है तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, जो आपको प्रूव करना है। ये स्टूडेंट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का, बोलो आप कर पाओगे? आज के दोनों थ्योरम पांच पांच बार लिख कर प्रिपेयर कर देने, फर्स्ट एग्जाम हो, प्रीलिम एग्जाम हो, बोर्ड की एग्जाम हो, तीनों एग्जाम के अंदर चार मार्क में दो में से एक थ्योरम पेपर में कंपलसरी आने वाला है, नींद में से भी कोई उठाए आपको पक्के आना चाहिए। क्लियर? चलो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।